देखिए, ये हादसा 14 तारीख को हुआ। आज 30 तारीख है। आज पहली बार मुख्यमंत्री जी ने इस हादसे पर बयान दिया है। इतनी हैवानियत हुई इस लड़की के साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ, और 15 दिन बाद इनका बयान आया है। और बयान में क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया और मैंने SIT को बनाया है। क्या आपको प्रधानमंत्री जी के फोन की इंतजार था? क्या 15 दिनों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए? इस लड़की का इलाज नहीं किया आपने? पीड़िता को किसी अच्छे अस्पताल में नहीं ले गए? परसों रात को इन्हें दिल्ली लाया गया है, उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया कि अपनी बेटी की लाश आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए, उसकी चिता उसके पिता जला नहीं पाए, उनको एक कमरे में बंद किया? इस तरह का व्यवहार अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप आज भी ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के फोन करने के बाद आपने SIT जारी की है। ये पहले क्यों नहीं किया गया? 14 तारीख को क्यों नहीं किया गया? क्या आपके प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? किस तरह के मुख्यमंत्री हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस तरह के मुख्यमंत्री हैं आप? सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।